ये झिगड़ी बजनों का रंगारंग कार्यक्रम आपके गांव नगला हीरा सिंह में आयोजित किया जा रहा है, जिसके संचालन कार्यकर्ता हैं आदरणीय कालीचरण जी और हमारे पिताश्री धनमत जी, दोनों का संचालन चल रहा है। ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई गौरव फौजदार मोरोली जनुथर के निवासी, झीगा पर झनकार दे रहे हैं हमारे चाचा जी धनवत जी। और सजनों इस साउंड का आगाज कर रहे हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कार्यकर्ता आदरणीय बड़े भाई पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनुथर की तरफ से। और आइएगा आपकी नन्ही सी बालक इंद्रेश गुर्जर की तरफ से एक और धमाका। जरा दे प्रेमी सजनों, सबसे पहले मेरा यहाँ पर बैठे मेरे पिता तुम बुजुर्गन, बैठी मेरी माता बहने, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक इंद्रेश गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। अरे पीछे बारे और राम राम तो ले लो साहब। भैया जी देखिए ये हमारा सौभाग्य है इस बस्ती में पहली बार प्रवेश किया। और धन्यवाद देना चाहूंगी मैं जो हमारे सतीश नेताजी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया है, मैं बार बार उनकी आभारी हूं किन कलाकारों को यहां पर बुलाया और इस बस्ती में ये कार्यक्रम रखा, ये एक भाईचारे का प्रतीक है। सजनों ये सब भाव की बातें होती हैं, सतीश जी का भी ये भाव है और लिख भी दिया बड़े लोगों ने कि जिस भावना में भावना, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और जिस भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। सारी बातें भाव की होती हैं। और सरदारों निवेदन ये भी है अब तुम्हारे यह भाव है बिल्कुल सतीश जी को भी दिखाई हो, ये भी मेरा निवेदन है सभी से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये सामाजिक सुधारक के लिए भी जाने जाते हैं। और वो आप सभी के नेता हैं साहब और हमारे वो चाचा जी हैं। लेकिन अब आती है गाने वाली बात। भैया गौरव गाना बजाना ये बहुत उच्च कोटि की कला है। और ताऊ जीओ गानों बजानों कोई बाजीगर को खेलना है कि एक रुपए दो रुपए बनाए दे। गाना बजाना लेस और ताल का होता है। लेकिन सजनों आइएगा, जैसे कि बड़े लोग ये कहते हुए आए विद्वानों की ये सरदारी बैठी हुई है, झिकड़ी की शुरुआत साखी से। और भैया जी साखी के बोल क्या है, देखो गवैया वही है, चीज वही है गायबे की, लेकिन गाने का तरीका, गाने की रचना, गाने के बोल ये अलग अलग हुआ करते हैं। लेकिन आइएगा भैया गौरव साखी के बोल क्या है कैसे। कहा क्या अरे हो और ले पैनी और चली गई है पूरा बिया
पिया की बेना समय, तप्ती दोपहरी का समय,
अर्जुन के लिए प्यास सताने लगी। जल की तलाश में इधर उधर भटक रहा है वो पारथ, लेकिन सजनों आखिरकार वो अर्जुन जल की तलाश में आया कहां पर, सुनिएगा विचार कीजिएगा कैसे। सजनों लिखा भैया जी, क्या भैया कोने बारे हो भैया जी, आराम से विचार कीजिएगा। आखिरकार वो पारथ जल की तलाश करता हुआ आता कहां पर है। चाचा जी बड़ा ही सुंदर प्रसंग, कैसे और रूपा सभी और मोरे जहा अरे जल ढूंढन के भैया जी, हेरे जल ढूंढन के और हेत पार्थ ने आगे बाज बजा। ₹100 का
और ये 100 रुपए का सम्मान रामकिशन जी और 51 रुपए का सम्मान हमारे ताऊ जी दे रहे हैं। अब सामने कथा है, बढ़ा दूं मैं थोड़ी सी आगे। और ये 100 रुपए का सम्मान लाखन सिंह जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या, जवाब दिया कैसे? ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय महेंद्र सिंह नेता जी गैरी कला निवासी दे रहे हैं। भैया देख सरोवर तीर के निर्मल और निर्लोक दियो घोड़ा और पंछी करे। भैया जी ये रे पंछी करे किलोल चुके सरोवर के किनारे पर आ गए। चाचा जी ध्यान कथा की तरफ कीजिएगा। अर्जुन क्या कर रहा है कि घोड़ा छोड़ उतर गया अर्जुन, घोड़ा छोड़ उतर गया अर्जुन, सरोवर तट गया भैया, हाल भयो पे हाल भूख को रही जाए प्यास सताइए। और इसी बीच ये 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी बहुत ही सामाजिक भूपेंद्र जी दे रहे हैं। और 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई मनीष गुर्जर जी ये धौलपुर निवासी दे रहे पहलवान साहब। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। भैया जी अब सुनिएगा, जैसे ही सरोवर के किनारे ठहरे अपनी प्यास को बुझाया उस अर्जुन ने चलने के लिए जैसे कदमों को बढ़ाया तो भैया गौरव अर्जुन एक नजारा देख रहा है। वो नजारा कौन सा है कैसे? सुनिएगा क्या देखा। और ले बाबा जाके पैरनी देखो सरदारों, ऐसे समझ लीजो जैसे राजस्थान को ओरिजिनल फिलिप्स रेडियो बज रहा हो। एक एक शब्द छोड़ूंगी आप सभी के समक्ष, कोई गागा पेट नहीं। भैया जी क्या देखा? आर ले भैया जाके पैरनी हारी संगीना और
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और भैया जी कथा मोड़ ले रही है, ये क्या रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, और 100 रुपए का सम्मान आदरणीय धर्मवीर भाई जी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा कैसे, अरे चाचा जाकी झिलमिल, ए भैया जाकी झिलमिल, भैया देखो हमारा भी स्टाफ बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा ए और बाबा जाकी झिलमिल, और चमके ओती क्या, और बाबा जमे चढ़ रहे हीरा मोती, भैया जमे चढ़ रहे हीरा मोती। आ सजनो कंगन हीरे मोतियों से जड़ कंगन था, अर्जुन उस कंगन को देख ले। लेकिन प्रेमी सजनों गौर करने वाली बात है, अर्जुन ने उस कंगन के साथ किया क्या बताया, कंगन लियो उठा पार्थ ने, चाचा जी कंगन लियो उठाए पार्थ ने, जामे चढ़ रहे रतन सितारे है, ऐसो कंगन कबहू ना देखियो, या कंगन के काम करा रहे हैं। लेके कंगन चल दियो पारत, लेके कंगन चल दियो पारत, लौट महल में आया और बाबा जाने द्रौपदी को वो कंगन गाड़ो, द्रौपदी के लिए उस कंगन को दे दिया। अब भैया जी द्रौपदी ने जब उस कंगन को देखा, उस कंगन को निहारा, अब न पांडवों से क्या कह रही है सुनिएगा कैसे। कहा भैया जी, चाचा जी बैठ जाओ या खड़े जो बिल्कुल बैठ जाओ, आगे काफी जगह पड़ी हुई है, बैठ जाएं, नीम के नीचे खड़े वो भी बैठ जाए शांति से, और सुनिएगा कैसे कह रही है द्रौपदी। और लैया कंगन को, चाचा भूपेंद्र याद है हमारी हरियाणवी तर्ज के हमेशा, और हरियाणवी तर्ज के बोल क्या है, द्रौपदी कह रही है उस कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए क्या, ए और लैया कंगन को मोकु जोड़ा लाए दे, ए द्रौपदी ने वचन उच्चारा हो उच्चारा, अरब में किली रे तुम पांच जने, और कामना तुमको भारो, कामना तुमको पहरन
विश्व कंगन को देख करके कह रही है कि अगर ये कंगन इतना सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। चाचा जी कहा कैसे बताया, यार पहनने हारी और कैसी होगी, और जब कंगन चलाऊं आज यारा।
और लाल ना मिलेगा ये भैया कैसे लाल ना मिलेगा ये लाल ना मिलेगा ये दोबारा मेरा लाल प्यारा है तेरा लाल प्यारा और इसी बीच ये 500 रुपए का फिर से सम्मान आदरणीय सतीश जी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान भैया जी क्या भैया जी समय मेरा समापन की ओर है और अंतिम कड़ी में वो माँ अपने बेटे के वियोग में और किस प्रकार से कर्ण क्रंदन कर रही है भैया क्या लाल प्यारा